बैंक्स को धोखा देने का चलन हमारे मुल्क में पिछले कुछ सालों से चल पड़ा है। हमारे शहर हैदराबाद के एक सीनियर बैंक मैनेजर ने भी लालच का शिकार होकर बैंक से 58,49,000 से जायद की रकम को अपने अकाउंट में मुंतकिल कर लिया। बताया जाता है कि कोऑपरेटिव अर्बन बैंक घास मंडी सिकंदराबाद इलाके में मैनेजर की हैसियत से काम करने वाले पी सुब्रमण्यम मुरली ने बैंक को धोखा देते हुए 58 लाख से जायद भारी रकम को अपने और अपने रिश्तेदारों के पर्सनल अकाउंट में मुंतकिल कर दिया। ताहम इसकी इस हरकत का पता बैंक में काम करने वाले दूसरे ओहदेदार ने लगा लिया और फौरी तौर पर पुलिस में शिकायत दर्ज करवाई। नॉर्थ जोन की टास्क फोर्स टीम ने बाद तहकीकात 60 साला पी सुब्रमण्यम को हिरासत में ले लिया और उसके कब्जे से 56 लाख से जायद रकम को जब्त भी कर लिया। सिटी पुलिस कमिश्नर अंजनी कुमार ने मीडिया नुमाइंदों से बात करते हुए तफसीलात से वाकिफ कराया। उनके तरफ से एक सीनियर मैनेजर ऑफ एपी महाजन कोऑपरेटिव अर्बन बैंक लिमिटेड घास मंडी, जिसका नाम है पी सुब्रमण्य मुरली, उसका अरेस्ट हुआ। इस अरेस्ट के समय जो कैश सीज हुआ है वो लगभग 56 लाख 30,000 रुपीज का कैश सीजर हुआ है। ये सीनियर मैनेजर जिसका एज लगभग 60 है और ये रेसिडेंट ऑफ सोलन की गुलमोहर अपार्टमेंट ब्राह्मणवाड़ी बेगमपेट का रहने वाला है, ओरिजिनल नेटिव ऑफ शिवाजी नगर बेंगलोर। ये पिछले कुछ समय से, खास करके 8 जनवरी 2016 से लेके 15-9-2018 तक लगभग 35 फ्रॉडलेंट ट्रांजैक्शन, जिसका कि शुरू में डाउट हुआ कभी सुब्रमण्य मूर्ति चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर ऑफ एपी महाजन कोऑपरेटिव अर्बन बैंक लिमिटेड घास मंडी, और उनके ऑब्जर्वेशन के बाद उन्होंने जब ये इंफॉर्मेशन टास्क फोर्स के पास आया और वो पूरा ऑपरेशन करके आउट ऑफ 58 लाख लगभग 56 लाख 30,000 का कैश रिकवरी हुआ। ये जो अक्यूज है पेरोल सुब्रमण्य मुरली, ये कर्नाटका में बीकॉम करने के बाद फिर हैदराबाद में भी इन्होंने अपनी पढ़ाई की और उसके बाद अकाउंटेंट क्लर्क मैनेजर के हैसियत से कोऑपरेटिव बैंक एपी महेश कोऑपरेटिव बैंक बेगमपेट, वर्धमान महिला कोऑपरेटिव बैंक रामकोट, चंदा नगर में भी, चेरलंगमपल्ली में भी काम किए और उसके बाद नवंबर 2014 से ये एपी महाजन कोऑपरेटिव बैंक घास मंडी सिकंदराबाद में काम कर रहे हैं। तो शॉर्टकट के तरीके से, फ्रॉड के तरीके से पैसा बनाने के चक्कर में ये लगभग 36 ट्रांजैक्शन, इलीगल ट्रांजैक्शन, जो कि अपने फैमिली मेंबर्स और अपने अकाउंट में बैंक के मनी को ट्रांसफर किए, इसमें ये आरटीजीएस एनईएफटी का भी मैनिपुलेट करके अकाउंट यूज किए। ये 35 अकाउंट्स जब इनके अकाउंट में आया, वहीं से इसका डाउट शुरू हुआ सीनियर मैनेजर्स का और बात फिर पुलिस तक पहुंची। आज टास्क फोर्स के तरफ से जब ये ट्रैप लगाया गया और उसके बाद पेरोल सुब्रमण्य मुरली को 56 लाख 30,000 कैश के साथ गिरफ्तारी की गई। इस पूरे ऑपरेशन में डीसीपी टास्क फोर्स पी राधा किशन राव और उनके साथ उनके टीम मेंबर के नागेश्वर राव इंस्पेक्टर, एसआई बी श्रवण कुमार, के एस रवि, पी चंद्रशेखर रेड्डी, के श्रीकांत और नॉर्थ जोन के पूरे टास्क फोर्स टीम बहुत अच्छा काम किए।